आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, और हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो अलग अलग तरीका क्या है, एक नॉर्मल तरीका और एक शॉर्ट ट्रिक। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, a1x + b1y = c1, और दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y = c2। तो जो ट्रिक है उसके हिसाब से x और y निकालने का जो तरीका है वो होगा x इक्वल टू आर एक्स बाई अल्फा सी। आर एक्स मतलब x को छिपा करके r, और अल्फा सी मतलब c को छिपा करके अल्फा। सिमिलरली y इक्वल टू अल्फा वाई बाई अल्फा सी। अल्फा वाई मतलब y को छिपा करके अल्फा, अल्फा सी मतलब सी को छिपा करके अल्फा। उसको हम देख सकते हैं कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आर एक्स बाई अल्फा सी हो गया x का वैल्यू, और अल्फा वाई बटे अल्फा सी हो गया y का वैल्यू। तो x का हो जाएगा आर एक्स, x को छिपा करके r, r का तरीका देखिए, x को छिपा करके r, ऐसे करते हुए ऐसे b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। और अल्फा सी क्या हो गया, c को छिपा करके अल्फा, अल्फा ऐसे b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक है। जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आसान लगने लगेगा। तो y क्या हुआ, अल्फा वाई भाई अल्फा सी, y को छिपा कर अल्फा मीन ऐसे c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। और अल्फा सी क्या हुआ, c को छिपा करके अल्फा, c को छिपा करके अल्फा मीन्स ऐसे अल्फा, b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, 7x + 3y = 15 और 10x + 5y = 10। इसका x और y क्या होगा इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। अभी हम लोग दो चीज़ सीखेंगे, पहले इस ट्रिक की तरफ से सॉल्व करेंगे और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x क्या हुआ, हमेशा ध्यान देना है कि a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। यहाँ प्लस माइनस चलेगा, प्लस माइनस रहेगा, बट हमें ये देखना है कि x + y = c, x, y और c या कॉन्स्टेंट टर्म उधर रहे और x और y टर्म यहाँ रहे, लेफ्ट साइड में हो, ये LHS में हो और ये RHS में हो, इस फॉर्मेट में हो। तो x क्या बोलता है, Rx by alpha c, Rx मतलब क्या हुआ, Rx क्या हुआ, x को छिपा करके R, x को छिपा करके R, R ऐसे है ना, यहाँ ध्यान दीजिए ऐसे है R, ऐसे ऐसे R कैसे है, इस तरह है R, 3 × 10 माइनस 5 × 15, 3 × 10 माइनस 5 × 15, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, x को छिपा करके R, x को छिपा दिए, R कैसे बना, R ऐसे बना, तो 3, 10, 5, 15, 3, 10, −5, 15, ठीक है। अब अल्फा सी नीचे हो गया, अल्फा सी क्या हुआ, C को छिपा करके अल्फा, देखिए अल्फा कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, 3, 10, 7, 5, 3 × 10 माइनस 7 × 5, क्लियर है, कितना हो गया ये, 3, 10 = 30 माइनस 15, 5 = 75 डिवाइडेड बाई 3, 10 = 30 माइनस 5, 7 = 35। तो ये क्या हुआ, 30 − 75 माइनस 45, और नीचे क्या हुआ, 30 − 35 माइनस 5, 30 − 35 इज माइनस 5, तो ये कितना हो गया, माइनस 5 कट गया, 9। तो x हो गया 9, y देखते हैं, y क्या था, y इक्वल टू अल्फा वाई बाई अल्फा सी, अल्फा वाई बाई अल्फा सी।
अल्फा वाई, अब अल्फा वाई क्या है, वाई को छिपा करके अल्फा, वाई को छिपा दीजिए, वाई को छिपा के अल्फा कैसे बन रहा है, ऐसे 15 10 7 10 15 10 7 10। और अल्फा सी क्या है, नीचे सी को छिपा करके अल्फा 3 10 7 5 सेम, ये वाला यहाँ दोनों में सेम है, अल्फा सी एक्स में भी वाई में भी, दोनों में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो कितना हो गया ये 15 10 जा 150 और 7 10 जा कितना हुआ 70 और नीचे क्या हो गया -5 था, 30 -35 मीन्स -5, तो ये हो गया 150 -70 कितना हुआ 80 और नीचे क्या है -5, तो 5 16 जा 80 तो -16। तो y का आंसर आया, तो y का आंसर आया -16। तो x इज 9, x इज 9 एंड y इज -16, तो आंसर होगा 9 एंड -16। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, -9 को यहाँ डाल दिए, 7 9 जा 63 3 into -16 कितना हुआ -48, तो 63 - 48 कितना हुआ 15। राइट हैंड साइड मैच कर रहा है, इट मींस ये आंसर हमारा सही है। दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 2 में भी चेक कर सकते हैं कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10x क्या है 9, तो 10 9 जा 90 +5 into y -16 तो 90 5 into -16 कितना हुआ -80, तो 90 - 80 कितना हुआ 10, यहाँ भी 10 है। इट मीन्स 9 और -16 जो हम लोग ट्रिक्स निकाले हैं, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स निकाले हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है और आंसर है 9 and -16। इसे हम लोग नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना भूल गए होंगे, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए इसको हम लोग अभी नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नॉर्मल तरीके हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक फैक्टर ढूंढते हैं जिसको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और एक फैक्टर से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि या तो एक्स ऊपर नीचे दोनों में एक्स बराबर हो जाए या दोनों में वाई बराबर हो जाए। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि अगर दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख करके या तो प्लस करें या माइनस करें और या तो वाई हट जाए या एक्स खत्म हो जाए और उसके बाद जो बचा होता है उससे हम एक्स निकालते हैं फिर वाई को निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पे 3y है, 7x है 3y है, यहाँ पे 10x है 5y है। मान लीजिए वाई हटाना है हमें, मान लीजिए हमें पहले वाई हटाना है तो क्या करेंगे, इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, तो 3 5 जा 15 5 3 जा 15 तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा ये, क्या होगा 5 7 जा 35x +5 जा 15 15y इक्वल टू 5 15 जा 75। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 10 जा 30x +3 5 जा 15y इक्वल टू 3 10 जा 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 15y यहाँ भी है, 15y यहाँ भी है, दोनों में प्लस साइन है, क्या करेंगे हटाने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब ये है, ये हट गया, तो 35x -30x कितना हुआ 5x, ये कट गया, यहाँ बचा 75 - 30 कितना हुआ 45, तो x क्या हो गया 45/5 नीचे गया 9। अब y कैसे निकालेंगे, अब y निकालना है, क्या करेंगे इक्वेशन में डाल देंगे, देखते हैं कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो 7x
7x plus 3y equal to 15, ठीक है। अब ये हो गया 7 9 जा 63, 63 प्लस 3y इक्वल टू 15, ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 15, ये वहाँ चला गया तो 15 माइनस 63, ठीक है, ये कितना 15 माइनस 63 कितना हुआ माइनस 48, 13 में से 5 गया 8 और 5 में से गया 4 तो माइनस 48, तो y कितना हुआ 3y इक्वल टू माइनस 48 था, 3y इक्वल टू माइनस 48 आया तो y कितना हुआ माइनस 48 बाई 3, इट मीन्स माइनस 16, तो y हो गया माइनस 16 और x हो गया 9, यही आंसर है। इसको आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से चेक करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं, 10x 10 इंटू 9 90 हुआ, यहाँ लिख दिया 90, प्लस 5y, y कितना है माइनस 16 इंटू 5 माइनस 80 हुआ, तो 90 माइनस 80 कितना हुआ 10, यहाँ पे क्या है 10, इट मीन्स ये जो x और y जो आया है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर x और y में आंसर आया 9 एंड माइनस 16। आइए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 22। इसके पहले जो एग्जांपल लिए थे वो सब में प्लस था, अभी एक माइनस भी है, तो अब इसको ट्रिक के हिसाब से सॉल्व कैसे करेंगे, x और y कैसे निकालेंगे, तो क्या कहता है x इक्वल टू आर एक्स बाई अल्फा सी, एक्स को छिपा करके आर बटे सी को छिपा करके अल्फा, और y क्या कहता है, वाई क्या कहता है अल्फा बाई बाई अल्फा सी, वाई को छिपा करके अल्फा डिवाइडेड बाई सी को छिपा कर अल्फा, तो पहले एक्स निकालते हैं, एक्स क्या हुआ एक्स को छिपा करके आर, तो एक्स को छिपा करके आर, आर ऐसे ऐसे, तो आर क्या हुआ 322 फिर 25, 322 माइनस 2 इंटू 5, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो हम लोग ट्रिक में क्या ध्यान दिए थे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है, सब में प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये जो पहला टर्म होगा वो माइनस 3 इंटू 22 होगा, क्योंकि ये माइनस है, तो ये माइनस 3 इंटू 22, माइनस 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 5, अल्फा सी, सी को छिपा करके अल्फा अल्फा, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, क्लियर है, माइनस 3 इंटू 22 क्या हुआ माइनस 66 और 2 इंटू 5 क्या हुआ 10 और नीचे क्या हुआ माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 66 माइनस 10 माइनस 76 और नीचे क्या हुआ माइनस 15 माइनस 4 मीन्स माइनस 19, तो माइनस माइनस कट गया 4 9 36 4 ये हो गया 4 4 इस, तो इसका आंसर आया 4। वाई देखते हैं, वाई मीन्स अल्फा वाई बाई अल्फा सी, अल्फा वाई बाई अल्फा सी, यहाँ जो अल्फा ये यहाँ भी अल्फा सी रहेगा, यही अल्फा सी यहाँ भी रहेगा, तो अल्फा सी हम नीचे लिख सकते हैं कितना था अल्फा सी माइनस 19, अल्फा वाई मीन्स वाई को छिपा करके अल्फा निकालना, तो 5 गुना 5 माइनस 2 गुना 22, 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 22, ये हुआ
5 इंटू 5 तो ये हो गया, नीचे हो गया माइनस 19, तो 5 5 जा 25, 22 2 जा 44, माइनस 19, 25 माइनस 44 मीन्स माइनस 19, और नीचे भी माइनस 19, इट मीन्स 1। ये हो गया आंसर, एक्स 4 और वाई 1। इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रख दीजिए, अगर सेटिस्फाई हो गया तो सही है। एक्स इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 1, तो 3 बन जा 3, माइनस किए कितना आया 5, यहाँ पे कितना है 5। इट मीन्स जो हमारा नंबर आया एक्स और वाई का, वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। जस्ट चेक करने के लिए, ये इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, देखते हैं। 4 है एक्स, 5 इंटू 4 20 हुआ, प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 1, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे कितना है 22, यहाँ भी 22 आ रहा है, यहाँ भी 22 आ रहा है। इसका मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है, वो चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, यही तरीका होता है कि उसको इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। अगर LHS और RHS बराबर हो गया तो आपका आंसर सही है, क्लियर है। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 4x + 3y = -15 और 5x + 6y = -10, दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा Rx/αc, मीन्स x को छिपा करके r का वैल्यू। हाँ, ये हमेशा चेक करना है कि ये x + y = c इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो x प्लस वाई इधर है और c राइट हैंड साइड में है। अगर मान लीजिए ये यहाँ रहता, +15 = 0 रहता, तो क्या करते हैं, ये उधर भेजते हैं तो ये -15 होता और यहाँ पे ये साइन रहता, क्लियर है। x हो गया Rx/αc, Rx मीन्स x को छिपा करके r का वैल्यू, तो ये हो गया 3 × -10 - 6 × -15, ये ऊपर हो गया α c, c को छिपा करके अल्फा ऐसे 3 × 5 = 4 6 3 × 5 - 4 × 6, तो ये हो गया 3 × -10 कितना हुआ -30 - −5 + 90, और डेनोमिनेटर में क्या हो गया, डेनोमिनेटर क्या हुआ 5 3 = 15 - 6 4 = 24, तो ये हो गया -30 + 90 क्या हुआ 60, और 15 - 24 कितना हुआ -9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 इधर और -9 नीचे है, तो 3 3 9, 3 20 60, तो -20/3, एक्स का वैल्यू है -20/3। अब वाई निकालते हैं, वाई इक्वल टू α y/α c, अल्फा वाई मीन्स वाई को छिपा करके अल्फा, 15 5 4 10, 15, हाँ यहाँ -15 है तो -15 × α ऐसे -15 × 5 - 4 × -10, ठीक है, और नीचे है α c, डिनोमिनेटर क्या था α c, यहाँ भी हम लोग α c निकाले थे, तो क्या था ये था -9, लिख दिया -9, सॉल्व करते हैं, -15 5 = -75,
माइनस माइनस जा प्लस, फोर टेन जा 40 और नीचे क्या था माइनस 9, तो माइनस 75 प्लस 40 माइनस 35 हुआ, माइनस 35 और नीचे क्या रहा माइनस 9, माइनस माइनस कट गया और 35/9 ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको 35/9, तो y का वैल्यू है 35/9 और x का वैल्यू है -20/3, ये आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखते हैं चेक करके। कैसे चेक करेंगे, कोई एक इक्वेशन देख लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं चेक करने के लिए, तो क्या है 4x + 3y, 4x + 3y है, 4x एक तो 4 × -20/3 प्लस 3y, y क्या है 35/9, 35/9 क्या हुआ देखिए, तो ये हो गया 4 × 20 - 80/3 और ये हो गया 3 × 9 35/3, नीचे 3 है तो -80 + 35 ये हो गया, -80 + 35 कितना हुआ 45, -45/3 इट मीन्स -45/3 3 × 15 = 45 तो ये -15 हुआ, -15 आया। इक्वेशन 1 भी राइट हैंड साइड में क्या दिखा रहा है -15, इट मीन्स हमारा आंसर सही है, x है -20/3 और y होगा 35/9, ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, नॉर्मल तरीके के साथ साथ जो हम लोग ट्रिक सीखे हैं वो भी आपको क्लियर होगा, प्रैक्टिस करने से और क्लियर होगा, आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।